नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विथ अरुंधति। दोस्तों देखिए, आज कितने सारे गुड़हल खिले हैं यहाँ देखिए। और ये देसी गुड़हल है, और यहाँ देखिए ये एक मल्टीपेटल, यहाँ पर एक गुड़हल, यहाँ देखिए एक गुड़हल, ये देखिए बहुत सारे गुड़हल आज खिले हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये देखिए, ये देसी गुड़हल है, और यहाँ पर ये पिंक और ये येलो, और यहाँ देखिए ये पिंक का फिर से बड़ा वाला, और यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े गुड़हल अभी खिले हैं। देसी गुड़हल बहुत खिले हैं आज। और यहाँ पर मेरे जरबेरा भी बहुत सारे खिले हैं। तो दोस्तों आज मैं थोड़ी सी हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ। लाल साग के लगाई थी जो मैंने, और वही दिखाने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये थोड़ी सी मेरे गुड़हल की जो ब्लूमिंग है वही दिखा रही हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए मेरे लाल साग मैंने लगाए थी, और ये सारे हो चुके हैं अभी। और यहाँ पर देखिए ये कैटरपिलर ने खा भी लिया है कुछ। और तो मैंने सोचा कि अभी इसकी हार्वेस्टिंग ही कर लिया जाए। और कुछ छोटे छोटे भी हैं, मैं सारे को निकाल लूँगी और फिर से सीड्स ग्रो कर लूँगी। मेरे पास और भी सीड्स हैं इसके, इसलिए मैंने ये आज सभी को हार्वेस्ट कर लूँगी। और यहाँ देखिए एक बालसम भी उगाया है यहाँ पर। मेरे यहाँ बहुत सारे बालसम अभी निकलते रहते हैं, बालसम और साइप्रस वाइन और टरेनिया के प्लांट्स मेरे पास बहुत उगते रहते हैं, तो बीड्स की तरह उगते हैं। ये सारे मैं आज निकाल लूंगी। यहाँ देखिए दोस्तों, थोड़ी सी ही हो पर अपने जो खुद लगाया होगा तो हार्वेस्टिंग करने पर बहुत मज़ा आता है, और बहुत खुशी मिलती है कि चलो एक बार के लिए ही सही खुद की ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो किया है। तो मेरे छत पर मैं और कोई सब्जी नहीं लगा पाती, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत बंदर आते हैं। और पिछले साल मैंने लगाई थी टमाटर और बैंगन और गाजर भी लगाई थी, तो गाजर तो अच्छे नहीं हुए, थोड़े से लगाई थी मैंने। और बैंगन और टमाटर एक भी प्लांट में नहीं रहे, सारे बंदर आके तोड़ देते थे। इसलिए मैंने इस साल कोई भी वेजिटेबल नहीं लगाया है, सिर्फ यही साग का, लाल साग थोड़ी सी मैंने लगा ली थी। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे नीचे अभी आ रहा है, कितने बड़े बड़े हो गए हैं प्लांट, और ये अभी आ रहे हैं। दोस्तों ये देखिए मेरे इतने सारे साग निकल आए हैं। और यहाँ पर ये जो पॉट है, इनमें इसके नीचे मैंने सारे किचन वेस्ट और जो गार्डन वेस्ट डाल रखा है। और फिर से मैं इसमें और थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी, और फिर से ये जो लाल साग के बीज है मेरे पास वही डाल दूंगी। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो मेरे हार्वेस्टिंग के ऊपर। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर किसी नई टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।